पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव की 28 सीटों का जायजा पीसीसी में बनाए गए कंट्रोल रूम से लिया। इस दौरान कमलनाथ ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हारने के डर से प्रशासन, पुलिस और शराब का उपयोग कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणा करते हैं और झूठ बोलते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, जब कोई पार्टी चुनाव हार रही होती है तो वो इस तरह का हथकंडा अपनाती है। शिवराज सिंह ने जनता से झूठ बोला और धोखा दिया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ किया गया। शिवराज ने सौदे की सरकार बना के प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जनता भोली भाली जरूर है पर मूर्ख नहीं है। शिवराज के घोषणाओं और झूठ का परिणाम अब जनता 10 तारीख को देगी। इस दौरान कमलनाथ भोपाल स्थित लाल घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ कर भगवान के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा मध्य प्रदेश पे बनी रहे, यही प्रार्थना है। कोई पार्टी चुनाव हारती है तो सब चीजों का उपयोग करती है, पर जब कोई पार्टी पिटती है तो कोई कसर नहीं छोड़ती। प्रशासन, पुलिस, पैसा, शराब, सब कुछ का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है, जनता का मन का एहसास हो रहा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर मूर्ख नहीं हैं। और जिस प्रकार उनके साथ 15 साल धोखा हुआ, जिस प्रकार उनके साथ 8 महीना मध्य प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, सौदे की सरकार बना के, बिकाऊ सरकार बना के, ये मध्य प्रदेश के मतदाता और खास 28 सीटों के मतदाता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दित्ता झूठ बोल लें शिवराज जी, शिवराज सिंह जी का सहारा केवल झूठ बचा है, झूठ और घोषणाएं। इसके अलावा उनके पास पिछले 6 महीने में कुछ नहीं बचा था। आज वो झूठ और वो घोषणाओं का परिणाम अब 10 तारीख को मध्य प्रदेश की जनता देगी। हनुमान जी की कृपा रही है। हनुमान जी के मंगलवार को मतदान है, हनुमान जी के मंगलवार को गिनती है। हनुमान जी की कृपा मध्य प्रदेश पर बनी रहेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।